डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने जिले में सभी थाना प्रभारियों को जनसंवाद के आदेश दिए हैं। डीआईजी ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस अधिकारी आम जनता के पास जाएं और मोहल्ला समिति, नगर सुरक्षा समिति जैसे समितियों के सदस्यों से मिले, साथ ही क्षेत्र में जो अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं उसके निराकरण को लेकर प्रयास करें। वहीं बाहर से आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाए। पिछले दिनों डीआईजी एमआईजी क्षेत्र के एक कॉलेज के साथ भवरकुआ क्षेत्र में गए थे। जनसंवाद में छेड़छाड़ करने, घरों के बाहर शराब पीने वाले, हॉस्टल के बाहर तेज आवाज में डीजे बजाने जैसी कई शिकायतें मिली थी। बेसिकली ये लगातार चल रहा है। हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश है कि हम लोग थाना क्षेत्रों में पूर्व सूचना के उपरांत जाएं और थाना क्षेत्र में जो आम जनता है उनको बिना किसी स्ट्रेस के, यानी सामान्य परिस्थितियों में कई बार घटना दुर्घटना हो जाने के पश्चात लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, पर ये ऐसा है कि जिसमें सामान्य परिस्थितियों में हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनकी सामान्य बातों को सुनते हैं और उसमें जो भी पुलिस के स्तर से जो कार्रवाई होती है हमारा प्रयास होता है उसको हम समाधान करें और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई भी जाए। एमआईजी क्षेत्र में लोगों ने जो समस्याएं बताई थी बाय एंड लार्ज वो उनका समाधान किया गया है और अब हमारा प्रयास है कि वो फिर से वापस उसी स्तर पर ना पहुंच जाए, इसलिए लगातार थाना प्रभारी उस क्षेत्र के सीएसपी कार्रवाई कर रहे हैं। भंवरकुआं में मोस्टली लोगों ने कुछ हॉस्टल्स के देर तक वहां म्यूजिक चलने इत्यादि की समस्या, कुछ पार्किंग की समस्या, कुछ रोडों पे बस और अन्य वाहनों द्वारा अनावश्यक रूप से जाम करने की समस्या और क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों के बिना किसी कार्य के घूमने इत्यादि की बातें मूर्त जो मुझे लगता है मुख्य रूप से आई हैं और इसका समाधान कराया गया। बल्कि 10-15 दिनों से हमने लगातार उधर एक्स्ट्रा फोर्स दिया है, तो उससे भी कुछ सकारात्मक परिणाम निकले। डीआईजी ने कहा कि थाना प्रभारी आम जनता के बीच जाएं, समाधान निकालें, जिससे सकारात्मक परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।